नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जैसे लोग नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, उसी तरीके से मैं एक आध्यात्मिक चेतना, जिसको मैं पागल बूढ़ा बोलता था, उससे साईनाथ तक आया था। ये जो कथा है, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं साईनाथ को क्यों मानता हूँ। ये एक कथा है जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार की शक्ति है, गुरु शक्ति कैसी होती है। विषय 2005 की थी, नवी मुंबई में युवा केंद्र हुआ करता था, वहाँ पर एक सेमिनार अटेंड करने में ट्रेन से जा रहा था। तो रांची से ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई जा रहा था। अचानक मनवाड स्टेशन पे, जो स्टॉपेज नहीं था, वहाँ पर ट्रेन रुकती है और जो कुछ लोग चढ़ते हैं ट्रेन पे मुझे ढूंढते हुए। थोड़ा सा मैं पहले हिचकिचाता हूँ, फिर पता चलता है कि गांव का ही कोई व्यक्ति वहाँ पोस्टेड है। उसे खबर मिली थी कि इस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे मिलने के लिए ट्रेन रुकवाई। उसने मुझे उतारा, बोला कि थोड़ा अतिथि भाव हो जाए, उसके बाद आप चले जाइएगा। जब वहाँ रुका तो उन्हें पता चला कि साप्ताहिक ट्रेन होने के कारण सेमिनार से 3 दिन पहले ही मैं मुंबई के लिए निकल चुका हूँ। उस समय इतनी ट्रेनें नहीं चलती थी रांची से, तो खैर जहाज़ की तो बात ही नहीं है। तो मैं 3 दिन पहले मुंबई के लिए निकला था। उन्होंने बोला अब 2 दिन आप हमारे स्थान पर रुक जाओ, हमारे घर पर रुक जाओ, और 2 दिन बाद फिर आप मुंबई चले जाना, हम व्यवस्था कर देंगे आपके जाने की। अब होता ये था कि क्योंकि वो रेलवे कर्मचारी थे, तो वो सुबह से शाम अपनी ड्यूटी में जाते थे। अब घर पे मैं अकेला क्या करूँ, तो पहले दिन उन्होंने मुझे एलोरा केव्स में भेज दिया। मैं भी फोटोग्राफी का शौकीन था उस समय, जर्नलिज्म का विद्यार्थी, फिल्म मेकिंग का, तो मैंने कई तस्वीरें ली अजंता एलोरा केव्स की। दूसरे दिन फिर वही बात कि अब दिन भर मैं क्या करूँगा, आप तो चले जाओगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, शिरडी चले जाओ, साईं मंदिर देख लो। मैंने बोला देखो, मुझे साईं मंदिर जाने का कोई शौक नहीं है, हमारे पास हिंदू में बहुत देवी देवता हैं, ऐसे भी वो ठग बुड्ढा था ऐसा मैं जानता हूँ, और लोग बेवकूफ है जो उसके पास जाते हैं। तो काफ़ी वार्तालाप के बाद उन्होंने बोला कि देखो, एक विषय है कि वो काफ़ी अच्छे से वो मंदिर बना हुआ है, तो भक्त के भाव से नहीं, टूरिस्ट के भाव से आप उस मंदिर पे जा करके दर्शन करें। बड़ा मन को मार मैं ट्रेन पे चढ़ गया, उन्होंने व्यवस्था कर दी। उस समय अभी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय ट्रेन से उतर के आपको ऑटो लेकर के शिरडी मंदिर जाना होता था। तो हम ट्रेन से उतरे और टेम्पो पकड़कर थोड़ी दूरी पे हमें उतार दिया गया। वहाँ से बोला गया कि आप पैदल मंदिर चले जाओ। तो जैसे ही वहाँ उतरे, वहाँ लोगों का झुंड लग गया। नहीं, मैं बहुत महान नहीं था, न हूँ, सामान बेचने वालों का, कोई कुछ लेकर के, कोई कुछ लेकर के सामग्री लेके खड़ा था, कोई मिठाई लेके खड़ा था, कोई जलेबी लेके खड़ा था, कोई चुनरी लेके खड़ा था, कोई वस्त्र लेके खड़ा था, कोई फूल लेके खड़ा था, सब ऐसे ही खड़े थे और सब बेच रहे थे। सबका एक ही दावा था कि बाबा को सिर्फ यही चढ़ता है, बाकी कुछ नहीं चढ़ता है। तो मैं विद्यार्थी था उस समय, तो विद्यार्थी का क्या होता है कि जेब में बहुत सदे हुए पैसे रहते हैं। तो मुझे पता था कि मुझे अपने घर के लिए प्रसाद खरीद लेना है, ताकि एक मेरा विश्वास ना हो सकता है, घर में किसी का विश्वास हो तो, और एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैं शिरडी हो आया। तो मैं उन लोगों को ना सुनता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे भीड़ भी छटती चली गई।
कुछ लोग थोड़ी दूर तक गए, यही चोला बाबा पहनते हैं, आप फोटो में देख लो, ये खरीद लो 2200 रुपये में। मैंने बोला मुझे नहीं खरीदना, कोई यही मिठाई चढ़ती है मुझे, मैंने बोला उसको खिलाना ही नहीं है मुझे, मैं तो ऐसे प्रसाद लेना चाह रहा हूँ घर वालों के लिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सबको उल्टे जवाब देते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। शुरू से एक बूढ़ा मेरे पीछे लगा हुआ था, वो बूढ़ा हाथ में गुलाब का एक गुच्छा लेकर के बेच रहा था। तो उसने भी वैसे ही बोला कि बाबा को सिर्फ ये गुलाब ही चढ़ेगा। मैंने बोला चढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो 10 रुपए के 20 गुलाब, ऐसा कुछ था उस समय का हिसाब। 100 रुपए उस समय मायने रखते थे मेरे लिए। मैंने बोला मैं नहीं लूँगा, मैं बढ़ गया। तो जैसे जैसे भीड़ छटती गई, लोग हटते चले गए, बेचने वाले, वो समझ गए लेने वाला कुछ नहीं है। मैं आगे मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया रास्ता पूछ के। वो बूढ़ा पूरी रास्ता मेरे पीछे कंसिस्टेंट रहा। वो 100 रुपए का सामान 50 रुपए पे आया, वो 30 रुपए पे आया, वो 20 रुपए पे आया, वो 10 रुपए पर आया। मैं उस बीच में फिर मंदिर के सामने जो दुकानें हैं वहाँ से कुछ प्रसाद खरीदा, वहाँ भी फिर वही वस्त्र वस्त्र बेचने का चक्कर हुआ। मेरा मन थोड़ा खराब हो गया कि व्यापार का केंद्र बना दिया है, लोग सोचते ही हैं। फिर हम मंदिर घुसने वाले थे, फिर उस बूढ़े ने रोक लिया मुझे। उसने बोला आखिरी बोल रहा हूँ, ये गुलाब ही बाबा को चढ़ेगा, आप 10 रुपये दे के ये गुलाब ले जाओ। मैंने बोला देखो गुलाब जो होता है वो जो युवक होते हैं युवतियों को देते हैं, जो युवती होती है युवक को देते हैं, बूढ़ा बाबा को गुलाब नहीं चढ़ाया जाता है। उसने बोला इनको गुलाब ही चढ़ेगा। मैंने बोला मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे से पैसे ही नहीं है। तो उसने वो गुलाब मेरे हाथ में रख दिया और बोला कि तुम इसको फ्री में लेके जाओ, तुम्हें पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए, मुझे चढ़ाना ही नहीं है। मतलब उद्दंडता का एक एक पराकाष्ठा पर मैं भी, और जिद के पराकाष्ठा पे वो भी। और लेकिन मैंने उससे वो फूल नहीं लिया और मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो जैसे सांप घूमते हैं वैसा, पहली बार मैंने जीवन में किसी मंदिर में वैसा व्यवस्था देखा कि लाइन लगी हुई है कतार, क्योंकि मैं तो बहुत घूमता नहीं था, झारखंड बिहार दिल्ली ये था मेरा, तो वहाँ किसी मंदिर में मैंने नहीं देखा था कि ऐसे सांप जैसे घूम घूम के आपको ऊपर चढ़ना होता है। लाइनें लगती थी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, मैंने बोला देखो घड़ी देख करके 10 मिनट, दिख गए आप तो बहुत बढ़िया, आप नहीं दिखे तो मैं जिस जगह पर रहूँगा अगले 10 मिनट में 15 मिनट में मैं वहाँ से वापस हो जाऊँगा। और लाइन इतनी बड़ी थी कि घंटा भर तो लगना ही था बाहर से अंदर तक लाइन। कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं, 15 मिनट से पहले मैं बिल्कुल ही विग्रह के सामने खड़ा था। मतलब दो तरफ से लाइन जाती है, बीच में एक बैठने का स्थान था, मैं दोनों लाइन छोड़ के बीच में खड़ा होकर के सामने से उनको देख रहा था। और वहाँ पे लोग रहते हैं जो कि हटाते हैं, चलो दर्शन हो गया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं बीच में खड़ा होकर के, मुझे लगता है कि मैं 10-15 मिनट तक वो विग्रह को देखता रह गया कि कितनी कितने डिटेलिंग से कितने अच्छे से बनाया है। थोड़ा मैं अपने जमाने में कम्युनिस्ट भाव का भी हुआ करता था, तो इस नज़रिए से भी मैं चीज़ों को देखता था। फिर जब 10 मिनट लगभग हो गए तो मैं भी धीरे से ठीक है बहुत सुंदर सब मैं आगे बढ़ा। और मैंने वहाँ पर ऐसे प्रसाद लेने के लिए बड़े उनके पुजारी रहते हैं, तो वो प्रसाद एक हाथ से पकड़ते हैं, उसको ऐसे फेंक के बाबा को सटाते हैं और फिर आपके हाथ में वापस दे देते हैं। तो मेरे प्रसाद का भी वही गत हुआ, मेरे उन्होंने ऐसे झोले को पकड़ा ऐसे करके उनके पैर में ऐसे टच कर दिया और फिर मेरे हाथ में दे दिया, हाथ चढ़ गया प्रसाद। चलो ऐसे ही सही, हाँ हमारे यहाँ तो भाई महादेव को पकड़ के जब तक झूमते नहीं है तब तक मानते नहीं कि दर्शन हो गए। तो हमने वो प्रसाद रख लिया झोले में और अपना हम निकल गए वहां से। जैसे निकले आरती होने लगी तो थोड़ा आरती भी सुना, आरती म्यूजिक मेरी कमजोरी है हमेशा से, संगीत है वो भी सुन लिया, फिर निकल गए। शाम में घर आए तो वो भाई साहब आए, उन्होंने बोला शिरडी गए थे आप? मैंने हाँ गए।
उनको विश्वास नहीं था कि मैं शिरडी जाऊंगा। जिस तरीके से मैंने नकारात्मक ऊर्जा उनके चारों तरफ फैलाई थी शिरडी के नाम पर, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं शिरडी गया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो प्रसाद खिलाओ। मैंने ठीक है, मैंने वैसे ही बैग से निकाल के उनको वो झोला दे दिया। बोला इस झोले में प्रसाद है, कुछ अपने लिए रख लो, बाकी मेरे परिवार के लिए आप छोड़ देना। तो उन्होंने झोला खोला, उसके बाद उन्होंने बोला प्रसाद कहाँ है? यही प्रसाद है। तो आपने क्या प्रसाद खरीदा था? तो जो प्रसाद वहाँ मिलता है वही खरीदा था, वहाँ तो बेचने वाले बहुत हैं। हाँ, लेकिन प्रसाद तब आपने आपने कहीं और रखा होगा, पर प्रसाद दो। मैंने बोला यही झोला है, इसी में प्रसाद है। तो उन्होंने झोला मेरी तरफ वापस दे दिया। जब मैंने झोला को देखा, उस समय जो शिरडी साईं पे मेरा विश्वास कायम हुआ वो आज तक अडिग है। उस झोले में एक भी प्रसाद नहीं था, सिर्फ गुलाब के फूल का एक गुच्छा था। वो गुलाब के फूल का गुच्छा मैं आज तक रखता हूँ। और कहीं एक बार ऐसा नहीं था कि प्रसाद से मेरा नजर हटा या मैंने गुलाब खरीदा हो। लेकिन वो जो बूढ़ा मुझे शुरू से गुलाब बेचने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक मैसेज था। और शिरडी साईं ने अपने होने का, अपने अस्तित्व के होने का, अपना एक गाइड होने का एक हिंट मुझे वहाँ पर दिया। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि साईं का मुझे अनुभव अपने जीवन में रहा। अब जो लोग कहते हैं कि साईं मुसलमान थे, ये वो, देखो नाथों में तो भाई मुसलमान भी नाथ होते हैं और वो बाद में हिंदू हो जाता है, अगर वो जो भी थे। बाकी गुरुओं का जात नहीं होता, गुरुओं का धर्म नहीं होता, गुरु गुरु होते हैं। आप इनको गुरु के रूप में मानते हैं तो बिल्कुल मानिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती आयाम है वो आपको सिखाते हैं, जैसे आसन, बंधन, यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, तंत्र चलाना, भैरव जी की साधना। जिनको मेरा कार्यक्रम लेख पढ़ने हैं वो www.अघोरतंत्ररहस्य.com पर जाए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। साईनाथ आप सभी पे कृपा बरसाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।